प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने आज तड़के 3:30 बजे अंतिम सांस ली। सांस में तकलीफ होने पर बुधवार को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां को मुखाग्नि दी। हीराबा नहीं रही। 100 साल की जीवन यात्रा अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची। सुबह सुबह इस दुखद खबर ने देश को झकझोर दिया। हीराबा बेहद बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन लग रहा था कि हमेशा की तरह एक बार फिर वो मौत को मात दे देंगी, इस संकट से भी बाहर निकल आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पांव फटने से पहले हीराबा के निधन की खबर आ गई। मां के निधन की जानकारी देश को सबसे पहले पीएम मोदी के ट्वीट से ही मिली और थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी खुद अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। मां तो मां होती है, पीएम मोदी पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। वो पूरे देश के बेटे हैं, लेकिन आज वो हीराबा के बेटे के तौर पर उनके पार्थिव शरीर के सामने खड़े थे। मां को प्रणाम करते हाथ बंधे थे और जुबान मौन थी। 100 साल की जीवन यात्रा आज खत्म हो चुकी थी। मां हीराबा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। नश्वर दुनिया से पूरी तरह विदा होने की बेला आ चुकी थी। अर्थी को कांधा देते हुए पीएम मोदी ने मां को घर से विदा किया। आखिरी सफर भी आखिरी मुकाम पर पहुंचा। हीराबा के अंतिम संस्कार का विधान शुरू हुआ। जिस मां ने बाल नरेंद्र को रचा गढ़ा, जिस मां ने नरेंद्र में मूल्य और संस्कार भरे, वो मां आज पवित्र अग्नि की भेंट चढ़ गई। पीएम मोदी नम आंखों से मां हीराबा को पंचतत्व में विलीन होते देख रहे थे, इस सच के साथ कि जो भी दुनिया में आया है उसे एक दिन यूं ही चले जाना है। मृत्यु सच है। पीएम मोदी का आज इस सच से सामना हो रहा था। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। हीराबा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम में थे। मां के निधन के बाद भी वो कर्तव्य पथ पर डटे रहे। अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। कहा, देश सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। तिरुवनंतपुरम के कार्यक्रम में भी मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात का उल्लेख किया। गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। जब मैं यहां पर आया, मुझे जानकारी प्राप्त हुई एक दुखद घटना की कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां, जो 99 ईयर से अधिक की हो सकी थी, हो गई थी, उनका निधन आज हो गया है। आज उनका स्वर्गवास हो गया है। मुझे लगा कि शायद मुझे वापस जाना पड़े, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, कोई भी अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेगा और कार्यक्रम करके ही सबको जो है दिल्ली वापस लौटना है। आज के इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से, मठ की तरफ से, मां हीराबेन, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां है,
उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।